तो बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पटना, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल से सटे कुछ जिलों में भी धरती हिलने की खबर है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बिहार के कुछ जिलों में धरती हिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज तड़के सुबह 7:28 पर बिहार के कुछ जिलों में भूकंप के झटके 2 से 3 सेकंड के लिए महसूस किए गए हैं और नेपाल से जो जिले सटे हुए हैं उन जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती हिलने की जो खबर है वो सामने आई है और मोतिहारी जिले में धरती के 3 सेकंड तक हिलने की जो बात है वो कही जा रही है। धरती 3 सेकंड तक हिली है ऐसा महसूस किया गया है। पटना, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नेपाल से सटे कुछ जिलों में भी धरती हिलने की खबर सामने आई है। ये बहुत कम समय के लिए हुआ है, 3 सेकंड जो मोतिहारी में है वो धरती हिली है ऐसी खबर सामने आई है। हालांकि इस पूरे वाक्य में अगर कहें तो किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मोतिहारी में 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं नेपाल से सटे कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, धरती हिलने की बात सामने आ रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, बिहार के कई जिलों में आज धरती हिलने की खबर सामने आई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? नहीं देखिए नवीन, दरअसल में सुबह 7:28 में अचानक जो है वो पटना सहित बिहार के कई जिलों में जो है लोगों को कंपन का एहसास हुआ, यानी कि धरती जो है वो लगभग हिली। और हालांकि जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से, इसका जो सेंटर पॉइंट था वो नेपाल था और नेपाल के इलाकों की अगर आप बात करेंगे तो मोतिहारी जो कि पश्चिमी चंपारण का इलाका, उन इलाकों में भी धरती के हिलने की जानकारी जो है वो मिल रही है। हालांकि इसका जो समय था वो काफी कम था, मात्र 3 सेकंड के लिए ही कंपन, लेकिन ये कंपन लोगों को एहसास नहीं हुआ। हालांकि कई जगह पर ये भी जानकारी मिल रही है कि लोगों को जैसे ही धरती हिली तो लोगों को पता चला कि हिल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल आए, लेकिन राजधानी पटना में जो है वो लोगों को बहुत कम लोगों को ही इस बात का एहसास हुआ। लेकिन 7:28 में बतौर अगर मौसम विभाग की माने तो बिहार में जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आपको याद होगा कि आज से लगभग 10 दिन पहले दिल्ली के इलाकों में भी जो है वो भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया था और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत के कुछ अलग अलग प्रांतों में भी जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए जाए। तो आज दुर्गा पूजा है, आज महाअष्टमी है और आज के दिन जो है वो 7:28 पर बिहार के कई इलाकों में जो है वो भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। चलिए धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार के कई जिलों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मोतिहारी जिले में 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस भूकंप के झटके में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जान माल के क्षति की भी खबर सामने नहीं आई है। बहुत मामूली समय के लिए ये जो धरती है वो हिली है और भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए हैं। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।